I warmly welcome to my inspiration, the One Man Army, the CEO of Enablers, new CEO of Enablers. हजारों नहीं लाखों के मुस्तकबिल की उम्मीद है तुम, हजारों नहीं लाखों के मुस्तकबिल की उम्मीद है तुम, करोड़ों सितारों के बीच चमकते चांद की नसीब है तुम। कुछ लोगों को माजिर करना चाहूंगा कि जो लोग नहीं एडजस्ट यहाँ कर पाए, और शुक्रिया उन लोगों का जो कि दूसरे शहरों से यहाँ ट्रैवल करके वर्किंग डे में सुबह के दिन यहाँ पर आए। पेशावर हैज ऑलवेज बीन अ रियली मेमोरेबल सिटी फॉर अस बिकॉज ये हमारे कुछ पहले तीसरे चौथे शहरों में था जहाँ हमने सिर्फ इसको एक रूम से स्टार्ट किया था, और यहाँ के जो लोग थे वो एक ऐसे लोग थे जो कि बड़े प्योर लोग थे। वाकया पहले भी मैं इसलिए बता चुका हूँ कि बिकॉज मुझे प्योर इसलिए लगे कि जब मैं 2004-05 की बात है, बहुत ही हार्ड टाइम में था इन इंग्लैंड, तो उस वक्त मेरे पास कोई रूम नहीं था रहने को एंड ऑल दिस, और कोई भी एक ऐसी जगह, ऐसे पैसे भी नहीं ऑब्वियसली होते थे, तो वो कुछ पेशावर के लोग थे जिन्होंने मुझे जगह दी थी कि अपने घर में जहाँ पे 7-8-9 लोग रहते थे। तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि जब भी ऐसे लोगों से दोबारा मिले, बट सारे पांचों फिंगर्स एक जैसी नहीं होती, कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बड़ी गालियाँ भी दी, सारे ऐसे रहे। तो इट्स ग्रेट कि आज हम मजीद एक बड़ी जगह को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो सके, लेकिन हर कोई एडजस्ट नहीं हो सकता, हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन इसको इस तरह से आप सब देखिए कि मैं आज क्वेश्चंस लूंगा सारों के, ना कि मैं सिर्फ स्पीच दूँ आपको, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अपनी वैल्यू कैसे बनानी है। आप कितने लोग हैं जो जॉब्स करते हैं अभी, जॉब्स करते हैं ठीक है, और कितने लोग हैं जो इस वक्त किसी के साथ इन्वेस्टमेंट या क्लाइंट या फ्रीलांसर्स हैं जो इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, राइट। आप ये अब आप ये देखें कि ये वाकया मैंने सुना ही था, उसको मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ कि एक दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स था, उसका एम्प्लॉय जो है वो रिज़ाइन कर रहा था, राइट। या आप इन्वेस्टमेंट किसी के साथ कर, आपने अगर की हुई किसी ने आपके साथ की हुई, आप फ्री लांसर हैं तो छोड़ जाते हैं, तो छोड़ जाता है तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स उसको कहता है जी कि आपने रिज़ाइन किया है, लेकिन आप एक महीना रिज़ाइन में आपका एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप प्लीज़ पूरी दुनिया का टूर कर लें, और पूरी दुनिया का टूर करते हुए जो पैसा लगेगा मैं पे करूँगा। वो बंदा हैरान होता है कि मैं तो अपनी कंपनी में रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मुझे मेरा बॉस कह रहा है कि ये पूरी दुनिया का टूर कर लो, यानी ये किस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, पूरी दुनिया में कह रहा है कि एक महीने बाद मैं बताऊंगा, तो अभी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर। बहरहाल वो उससे पैसे लेता है और पूरी दुनिया का सफ़र करने चला जाता है, तो पूरी दुनिया का सफ़र करके जब वापस आता है तो वो उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेता है। कहता बहुत है कि पहले एक्सेप्ट कर लेता, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा दिया मेरे ऊपर और फिर मुझे कहा कि जी आप सफ़र करके हैं, सफ़र करके आए, एक्सेप्ट कर लिया तो पहले क्यों ना किया। उसने कहा ये इसलिए नहीं किया कि आई वांटेड टू सी कि एक महीना तो मेरी कंपनी से दूर, अगर तो ऐसा कोई इम्पैक्ट होता तो मैं शायद तुम्हें डबल ट्रिपल देकर रोक लेता। तो ये है मकसद ये बताने का है कि अपनी वैल्यू ऐसे बनाए कि आप जाएँ या नहीं अवेलेबल अपनी कंपनी में या किसी इन्वेस्टर के साथ, तो उसको लग पता जाए यार ये बंदा चला गया है तो मेरा क्या बनेगा। इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि 9 to 6 काम कर रहे हैं, मुझे क्या मिलता है, ये हैबिट्स है,
हैबिट्स डेवलप करनी है आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो कि सारी जिंदगी काम आएंगी। जब भी कहीं पर भी जाएंगी मेहनत करना अगर सीख लिया हार्ड वर्क तो वो कहीं पर भी काम आ सकता है। ये नहीं है कि मैं किसी के लिए काम करूं, वो आपको अपने काम में भी वही हैबिट्स रहेंगे तब तो ये बड़ा जरूरी है। एंड आई होप आप सब इसको रियलाइज करें और अपनी वैल्यू क्रिएट करें किसी भी जगह पे अगर आप तो या तो जॉब करें।